हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन एंड नॉलेज के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के जो फीचर्स हैं कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, आप इसको ये भी मान सकते हैं कि थोड़ा ये डिफरेंस भी हो सकता है इनका दोनों सेलों के बीच में, जो दोनों टाइप की सेल होती हैं। और यही जो है आपको बताएंगी कि इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, जैसे कि फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर या सॉरी फाइलोजेनेटिक स्टेटस, स्ट्रक्चर भी बात कर सकते हो या स्टेटस के बारे में बात करते हो, बात दोनों ही सेम हैं। बिकॉज ऑफ ये बताती है, प्रोकैरियोटिक सेल बताती है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, थोड़ा सा समझना, मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये बताती है मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आप थोड़ा पहले से समझना। क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल होती है या वायरस की सेल होती है, सिंगल सेल होती है, और ये अपनी पूरी लाइफ इसी सेल के अंदर व्यतीत करती है या जीती है, ठीक है बच्चों। और अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, इसके सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। ये होती है सिंगल सेल, ये मल्टीपल सेल्स के द्वारा बनी होती है। बात करते हैं सेल साइज की, स्मॉलर होता है यानी कि बहुत छोटा साइज होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक से हम देख सकते हैं टू सब माइक्रोस्कोप द्वारा। बट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ये होती है फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक टू जाइंट साइज। एग्जांपल है, अगर आप जाइंट साइज की बात करें, ऑस्टिच का अंडा, ऑस्टिच सिंगल सेल होती है बट क्या है वो जाइंट साइज में होती है आपकी, ठीक है बच्चों। बात करते हैं सेल वॉल की, सेल वॉल इसमें नॉन साइटोलॉजिक होती है, यानी कि कहते हैं सिंपल भाषा में कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। बट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो ये जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, बट किसके द्वारा बनी होती है मिलके, ये जो ये होती है प्लांट के अंदर होती है, सिर्फ ध्यान रखना बच्चों, बट एब्सेंट इन एनिमल, एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, सिर्फ बात करते हैं यहाँ पे तो सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद होगी, ना कि एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता बट प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, प्लांट में भी होता है बट एनिमल में भी होता है, ठीक है। ये भी तो कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल जो कहते हैं वो इसलिए तो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से कहते हैं। बात करते हैं गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी अपैरेटस की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट यहाँ पे क्या है यूकैरियोटिक सेल में, ये जो है प्रेजेंट होती है दोनों सेल में। अब बात करते हैं राइबोसोम की, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का होता है, यानी कि जो 50S प्लस 30S के रेशियो में, ध्यान रख लो बच्चों 50S प्लस 30S के रेशियो में। बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की, इसमें अंदर जो राइबोसोम होता है आपका 80S टाइप का होता है, 80S टाइप का, यानी कि 60S प्लस 40S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो या हम उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं, इसमें ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है बट यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम क्या कहते हैं ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चाहे वो आपकी यूकैरियोटिक सेल में यानी कि एनिमल सेल हो या आपकी प्लांट सेल हो, दोनों सेल में ये प्रेजेंट होगा बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। बात करते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, लेकिन या बहुत स्मॉल अमाउंट में, या तो होता ही नहीं है या बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, नहीं होती। बट इसमें क्या होता है, बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, इसमें प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड होती है और चारों ओर से किसको न्यूक्लियस को घेरी रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात करते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम होता है इसमें सिंगल टाइप का, लूजली कॉइल्ड होता है, आपने देखा भी होगा जब बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें क्या है न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम होता है सिंगल सेल टाइप का, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम होगा उसमें और वो लूजली होगा,
ठीक है, लूजली कॉइल्ड होगा घुमावदार स्ट्रक्चर के तौर पे। बट क्या है, बात करते हैं हम यूकेरियोटिक सेल की। बहुत सारे होते हैं, कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। कैसे कहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट, सॉरी ह्यूमन बॉडी में। इसी तरीके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं इंसेक्ट के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल की, यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। बात करते हैं डीएनए की नेक्स्ट है इसमें। नेक्स्ट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये जो है जो डीएनए है, इस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर मान के चलिएगा, ये हिस्टोन प्रोटीन से कवरिंग नहीं होती इसकी। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता। बट इसकी बात करते हैं कंबाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे किसमें, आपकी यूकेरियोटिक सेल में, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये कंबाइंड रहता है। ठीक है, बात करते हैं सेल फंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये होता है बाय माइटोसिस द्वारा, और यहाँ पे होता है रिप्रोडक्शन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा। बात करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी सेल का मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं किसी की प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल फाइब्रिलर फ्लैजिलम पाया जाता है, सिंगल फ्लैजिलम। बात ध्यान रखना थोड़ा सा, बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, सिंगल फ्लैजिलम पाया जाएगा, यानी कि ये मूवमेंट करने के लिए, इसके लिए मूवमेंट ऑर्गन होता है ये, इसे बोलते हैं क्या, फ्लैजिला या फ्लैजिलम, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, बट बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल की, इसमें जो है जो मूवमेंट होता है वो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों के द्वारा पाया जाता है। समझिएगा, थोड़ा से यहाँ बात करते हैं हम किसकी, यूकेरियोटिक सेल की। देखो सीलिया, जस्ट लाइक इट, इसके चारों तरफ सीलेटिक स्ट्रक्चर होगी, साथ में क्या होगा आपका फ्लैजिला, इस तरीके से फ्लैजिला पाए जाएंगे इसके अंदर, जो कि इसको मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें इसका जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल है इसमें बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, और लास्ट में आता है आपका वायरस। अगर हम बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल के एग्जांपल की, तो प्रोटोजोआंस, एल्गी एंड ऑल हायर एनिमल एंड प्लांट्स। अच्छा बच्चों, मैं जो आपको यहाँ पर ये टॉपिक बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं समझाने, अगर समझने में आपको आसानी होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन अड्डा नॉलेज। और मैंने लास्ट टाइम आपको सेल यानी कि कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, मैं थोड़ा डिटेल में बताया था। ये जरूरी नहीं कि वो टेंथ लेवल का हो या नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ या बीएससी लेवल तक का, इसमें आप अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगता है आप उसमें उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए, नोटिस कीजिए और अपने आप को उसमें इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आपको हायर एजुकेशन में या नाइन्थ के बाद टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जब जिस क्लास में भी प्रमोट होते हो उस क्लास में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात यह कि कंपटीशन लेवल पे भी जाते हो तो कंपटीशन लेवल में जीआरएफ, नेट, गेट्स, एसआरएफ वगैरह हो, या सिंपल कंपटीशन में ये आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, जैसे एएसआरबी, नेट, नेशनल एलिजिबल टेस्ट जो होता है आपका बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी के थ्रू, तो ये वहाँ पे भी ये आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फाइंड आउट किए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होती है, बच्चे बाद में एग्जाम में आकर वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप समझते जाइएगा, और मैं इसको थोड़ा आगे जाकर बीच में थोड़ा और डिटेल में समझाता चला जाऊँगा, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।